कामना करता हूं। थैंक यू, थैंक यू। श्री अजय प्रताप सिंह, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी, ओह सॉरी अजय प्रताप जी, यू टुक सम टाइम, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, युवा अवस्था में मैंने एक कार्टून देखा था। आप तो अभी भी युवा लग रहे हैं। संभवतः वो कार्टून उन्नी का था। उस कार्टून में प्रश्न किया गया था कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ ए पॉलिटिशियन, और नीचे जवाब दिया गया था। जवाब में राजनेता की शव यात्रा जा रही थी और नीचे लिखा था दिस इज द रिटायरमेंट एज ऑफ ए पॉलिटिशियन। तो आज इस सदन से जरूर हम लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्र सेवा समाज सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं। और जैसा कि उस कार्टून में परिभाषित किया गया था, तो अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक हम देश की सेवा करते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस समाज की सेवा करते रहेंगे। थैंक यू। सभापति महोदय, एक मिनट। सभापति महोदय, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली इस अर्थों में हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी विरासत में मिली है, और लाइटर मोड में कभी कभी अपने मित्रों के बीच में कहता भी हूँ कि मेरे बाप की पार्टी है, और इसी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक युवा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमने जो भी सपने देखे थे, मेरा सौभाग्य है कि जब मैं राज्यसभा का सांसद बनकर इस सदन का हिस्सा बना, वो सारे के सारे सपने हमारे पूरे हुए हैं। हमने सपना देखा था कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बन गया। हमने नारे लगाए थे कि धारा 370 हटे, 35 से हटे, ये धाराएं समाप्त हो गई, आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। केवल एक कसक रह गई है कि समान नागरिक संहिता के लिए भी हमने बहुत अपने नारे लगाए हैं, बहुत तेज आवाज में आंदोलन किया है, वो कसक जरूर रह गई है जो इस कालखंड में और इस हमारे कार्यकाल में पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन, आने वाले सदस्य इस काम को पूरा करेंगे। मैं इस सदन का हिस्सा बना, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को धन्यवाद देता हूँ। इस सदन में आपका संरक्षण मुझे मिला, पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का संरक्षण मिला, उपाध्यक्ष श्री हरवंश जी का संरक्षण मिला, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर मध्य प्रदेश में हमारी साथ संवार हमारे नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, श्री शिवराज सिंह जी ने किया, हमारे संगठन मंत्री श्री भगवत शरण माथुर जी ने किया, मैं इन सबको स्मरण करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी।